Hey guys, दो डिब्बों की रिक्वायरमेंट होगी फिर हमने लिया है ये वेडिंग कार्ड। आप चाहें तो कोई भी हार्ड शीट ले का कटआउट रखा हुआ है ये हमने अपने हाथ से बनाया था अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप गूगल से किसी भी टाइप के जो झरोके होते हैं उनका एक आउट ले सकते हैं और उसे इस तरीके से अपनी जो भी आपने लिया है शीट ली है या कार्डबोर्ड लिया है उसके ऊपर आप इसे आराम से प्लेस कर लीजिए और फिर हम इसको ट्रेस कर लेंगे और फिर नाइफ़ की हेल्प से इसको आराम से नीटली इसकी कटिंग कर लेंगे आपको थोड़ा सा ये बस ध्यान रखना है कि जो आपका झरोके का जो आप कटआउट बना रहे हैं वो आपकी मिठाई के डब्बे से छोटा होना चाहिए अदरवाइज़ वो जो आपका मिठाई का डब्बा है वो कवर नहीं हो पाएगा आपके इस झरोके से तो इस तरीके से हमने पूरे चार कटआउट्स बना लिए हैं ये देखिए ये सारे के सारे वेडिंग कार्ड्स पर ही हैं अब ये जो मिठाई के डिब्बे आप देख रहे हैं ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे तो हमने इनके बैक को कवर करने के लिए कॉकोरेटेड जो शीट होती है उसका यूज़ कर लिया है अगर आपके पास ना हो तो आप जो नॉर्मल कार्डबोर्ड शीट होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी फैंसी पेपर इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा ये स्ट्रांग भी हो जाएगा इसकी वजह से अब जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो अब आप देख रहे हैं इसके बाहर का साइड भी प्लेन दिख रहा है तो हमने लिए हैं ये पॉप स्टिक्स इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं अपने डब्बे के साइज के और फिर हम इसको आ, अपने डब्बे पर प्लेस कर देंगे हम चारों के चारों ये डब्बे हैं उन उनपे सब पे इसी तरीके से पॉप स्टिक को प्लेस कर लेंगे अगर आपके पास पॉप स्टिक ना हो तो आप कार्डबोर्ड शीट या जिस तरीके भी स्टिक्स आपके पास हो उससे आप इसको कवर कर सकते हैं इससे क्या होगा कि जब आप अपने Uh, इस डी को वॉल पर हैंग करेंगे तो ये जब साइड से दिखने में भी ये बेकार नहीं लगेगा और ये थोड़ा सा स्ट्रांग uh, भी हो जाएगा इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी तो इस तरीके से हमने अपने चारों जो डब्बे हैं उनको कवर कर लिया है अब ये लिया है हमने जो वुडन वार्निश होता है उसको लिया है सिर्फ एक लेयरिंग के लिए जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये डब्बे की साइड वॉल्स भी uh, खाली खाली लग रही थी तो इनके ऊपर हमने कर दिया है ग्रीन कलर अब बढ़ते हैं अपने झरोखों की तरफ तो झरोखों को कलर करने के लिए हमने लिए हैं ये सारे ब्राइट कलर्स आप चाहें तो ब्राइट कलर लेके इनके ऊपर स्टेंसिल का यूज भी कर सकते हैं या मिरर वर्क भी कर सकते हैं अगर ये कोई फेस्टिव डेकोर में आप ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने इनको सिंपल रखा है बस हाँ इनकी कलरिंग थोड़ी ब्राइट कलर से कर दी है और बाकी हमने इसमें और कोई चीज नहीं की है बस हाँ हमने इसको थोड़ा सा विंटेज लुक या वुडन लुक आप कह सकते हैं वो लुक देने के लिए लिया है ये ड्राई ब्रश यू नीड टू बी केयरफुल कि ब्रश आपका प्रॉपर तरीके से ड्राई होना चाहिए हल्का सा आपको कलर लेना है आप ब्लैक की जगह ब्राउन भी ले सकते हैं और इस तरीके से ब्रशिंग कर दिए ड्राई ब्रश करेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा और ये ओवर बहुत ज्यादा फैंसी नहीं लगेंगे फेस्टिव पे तो फैंसी अच्छे लगते हैं अदरवाइज ये ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं बस इसको अपने डब्बों पे स्टिक कर लेंगे और ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय